फ्रेंड्स आजकल जो डायबिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है लोगों में और हमारी बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से इफ़ेक्ट करती है इवन डायबिटीज पेशेंट हैं वो ठीक से खा नहीं पाते हैं तो हमेशा वो लो फील करते हैं तो आज हम एक ऐसी होम रेमेडी बनाएंगे जिसका असर आपको एक हफ्ते में दिखेगा आपका शुगर लेवल बहुत डाउन चले जाएंगे अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो और इसको बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए देखते हैं हे फ्रेंड्स वेलकम बैक चैनल रीताज ढाबा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए मिले, मिलेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें आज जो हम डायबिटीज़ के लिए पाउडर बनाएंगे वो बहुत ही आसान है इसमें हमें तीन चीज़ों की जरूरत है ये मैंने बुने हुए चने लिए हैं और ये इंद्र जो लिया है और हमने लिया है बादाम इनको हमें तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है इंद्र जोह जो है वो अमेजोन या आपको किसी भी किनारे वाली शॉप पर मिल जाएंगे तो देखिए इस तरह से ये लंबे लंबे पतले पतले होते हैं और जो की तरह मोटे फूले हुए नहीं होते हैं आपको मैं पास से दिखा देती हूँ तो आप इसको इसी तरह से लें आप रहते हैं अगर वहाँ नहीं मिल रहे हैं तो आप अमेजोन पर इसको आसानी से मंगा सकते हैं और साथ में ही हम लेंगे भुने हुए जने जो कि छिलके वाले लिए हैं मैंने यहाँ और आपको भी छिलके वाले ही लेने हैं ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ कि मैंने हर एक चीज को हंड्रेड ग्राम लिया है ये देखिए मशीन का जो रीडिंग थी पहले ये जो बाउल है उसकी वो सिक्सटी फाइव ग्राम थी और साथ में मैंने अभी ये हंड्रेड ग्राम जो है इसमें बादाम डाले और अभी मैं इसमें ये इंद्र जो डाल रही हूँ ये भी हमारे हंड्रेड ग्राम है इसी तरह हमें इक्वल क्वांटिटी लेनी है इनकी और ये देखिए मैंने चने जो हैं उनको भी इस तरह से आपको दिखाया है नाप कर तो इसमें मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना है अभी मैंने गैस पर एक के पैन रखा है उसमें मैंने ये बादाम डाल दिए हैं जो इनका मॉइस्चर है वो थोड़ा सा कम हो जाए क्योंकि हमें इनको पीसना है एक फाइन पाउडर बनाना है इसलिए मैं इनको हल्का सा भून रही हूँ ताकि इनका मॉइस्चर खत्म हो जाए तो ये हो चुके हैं मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ और अभी इसी पैन में हम डाल देंगे अपने इंद्र जो इंद्र जो जो है उनमें बादाम के कंपेयर में कम टाइम लगेगा तो आप इसको इस तरह से चलाते हुए दो मिनट भूने बस उतना काफ़ी है और ये हो चुके हैं तो मैं इनको भी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और अब जो हमारे चने थे उनको भी हम इसी तरह से भून लेंगे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इनकी नमी निकल जाए क्योंकि हमें पाउडर बनाना है इनका बेसिकली तो आप देख रहे हैं कितना आसान है इस होम रेमेडी को बनाना और ये बहुत इफेक्टिव है फ्रेंड्स सीरियसली आप इसको एक हफ्ता खा के देखिएगा तो यहाँ देखिए हमारी जो तीन चीज़ें थी वो अच्छे से भुन चुकी हैं और बस हमें इस रेमेडी में यही डालना है और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है और दस मिनट मैंने ठंडे होने के लिए रखे थे तो अभी ये ठंडे हो चुके हैं तो मैं एक मिक्सी जार में इनको डाल लेती हूँ अलग अलग करके आपको पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है आप इसको एक साथ डालिए और एक फाइन पाउडर बना लीजिए मैं कैप लगाकर अभी इसको मिक्सी जार में पीस लेती हूँ तो ये देखिए हमारा पाउडर जो है एक फाइन पाउडर बनकर रेडी हो गया है और हमारी एक इफ़ेक्टिव अचूक इलाज जो है डायबिटीज़ का वो रेडी हो चुका है तो मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ सीरियसली फ्रेंड बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये रेमडी जो है एक दिन में ही अगर आप इसको दो बार खाएंगे तो आपके शुगर लेवल कम आते हुए आप देखेंगे यूज़ कैसे करना है वो हम देख लेते हैं अगर आपकी शुगर लेवल बहुत बड़ा हुआ है तो आप इसको खाली पेट एक चम्मच सुबह सुबह लें पानी के साथ में और अगर आपके शुगर लेवल ज़्यादा नहीं हैं तो आप इसको लंच और डिनर से पहले आधा चम्मच ले सकते हैं पंद्रह मिनट पहले और अगर आपका नॉर्मली थोड़ा सा बड़ा रहता है तो आप इसको आधा चम्मच रोज दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं खाली पेट या लंच से पहले या डिनर से पहले बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ये शुगर लेवल को कंट्रोल लाने के लिए एक बार बनाकर इसको देखिए आपकी जो डायबिटीज की मेडिसिन खाते हैं आप वो छोड़ देंगे बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है आप इसको जरूर ट्राई करें आपका शुगर लेवल कंट्रोल आएगी और आपकी मेडिसिन भी बंद हो जाएंगी टेक केयर बाय बाय